अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हनी बी ऑफिशियल। तो अभी जो है हम अपने गांव जा रहे हैं गड़ी अभी बुला, तो उसका मैं व्लॉग जो है वो बनाऊँगी। और अभी शाम के 5 बज रहे हैं, शायद हम आज रात को ही लाहौर के लिए निकल जाएं, लेकिन अगर आज रात को ना निकले तो फिर कल निकलेंगे, क्योंकि स्कूल से छुट्टियाँ ज़्यादा हो रही हैं। तो बस आज इसी का व्लॉग होगा। हम पहुंच आए हैं जी पप्पू के घर अपनी। किधर जा रहे हो आप? आपने सलाम तो किया ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। गुड। अस्सलाम वालेकुम। रात को जो है हम पहुंच आए थे तकरीबन 8 बजे के करीब, और रात को फिर हम लोग इधर ही रुक गए थे कि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और लाहौर के निकलने का टाइम नहीं था, पहुँचते भी हम लोग लेट, तो इसलिए हम रात को फिर इधर ही रुक गए। और अभी जो है नेक्स्ट डे शुरू हो गया, सुबह के 9 बज रहे हैं, नाश्ते वगैरह की तैयारी हो रही है, और क्या हो रहा है, बस यही नाश्ते की तैयारियाँ हो रही हैं। फिर बाबा को थोड़ा सा काम है, बाबा वो करेंगे, फिर हम तकरीबन 2-3 बजे तक निकल जाएंगे शायद। यहाँ पर जो एक छोटा सा बच्चा है हसनैन, शायद छोटे छोटे हमारे घर में बच्चे हैं, क्यूट क्यूट से है ना, हो ना आप क्यूट। ये भी है, ये सबसे छोटा बच्चा है हमारे घर का, हसनैन। हसनैन हसनैन, ओ ये कहा है हसनैन, ये कहा, ये देखो ये देखो ये कहा है, मम्मा ज्यादा अच्छी है कि बाबा? मम्मा अच्छा जी, मस्ती मस्ती। ये कौन भी आया? अच्छा हुसैन हुसैन, अल्लाह बाय, अल्लाह ख्याल रखना, ठीक है आना, ओ थैंक यू, अल्लाह सलाम करो हुसैन, सलाम करो, बाय बाय, मिला नाथ मिला ना मामू से हाथ मिला, चलो चलो बाय, अल्लाह बाय। अभी हमारी गाड़ी से जो है वापसी है, अब हम सीधे लाहौर जाएंगे। आज भी हमारी छुट्टी होगी स्कूल से, आज का दिन है, अब दे 3 छुट्टियां हो गई स्कूल से, उसके बाद जुमरा जुमा स्कूल जाना है, हफ्ते इतवार छुट्टी है, और अगले पीएससी मेरा पेपर है। और लाहौर में गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि अगले बुध से जो है अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो वो मंगल बुध जुमरात बहुत स्मोक होती है, तो बुध वाले दिन जो है छुट्टी होगी हर स्कूल को। ये दरियाए कुनहार है, तो अभी जो है ना यहाँ पर ट्रासिस में जा रही हूँ, और जिन जो मेरे ब्लॉग ज़्यादातर देखते हैं वो मेरी फ्रेंड्स हैं जो शहर में रहती हैं और जो गांव नहीं आई हुई, तो जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रही हूँ कि बट्रासी एक जंगल है, और यहाँ मोड़ इतने 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 के चक्कर आते हैं इंसान को, कम से कम 120 मोड़ हैं यहाँ पे, और यानी कि कोई सीधी जगह आती ही नहीं है। अब सब्र देखना, जी जी पता है, हम पहाड़ की इतनी ऊंचाई से जा रहे हैं कि देखें सामने पहाड़ बिल्कुल बराबर पे नजर आ रहे हैं जी।
जो भी हो गांव सबसे अच्छा है। ये देखें जी, गांव के बच्चे चप्पलें उतार के अपने वापस घरों को जा रहे हैं। ये क्या फायदा यार, ऐसे ऐसे मुझे तो मैं बना देखो कितने बेवकूफ क्या चाहिए सारे बच्चे नंगे पांव जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। स्कूल से यहाँ पे छुट्टी हो गई है, सब घरों को वापसी जा रहे हैं। और यहाँ पे तो शायद मोटा यूनिफॉर्म पहनना शुरू कर दिया इन लोगों ने। यहाँ पे ये देखें रॉक स्लाइडिंग हुई हुई है यहाँ पे, कितनी ज्यादा हुई हुई है। अच्छा जी, ये पहले तो इतना घना जंगल था, लेकिन यहाँ सर्दियों में जो है ना गांव में लकड़ियाँ जलाते हैं ना जिस तरह घरों में, तो फिर यहाँ ये पेड़ों को काट के लकड़ियाँ लेते हैं। तो यहाँ पे सारा इतने पेड़ काट दिए कि अब ये पहले जितना था ना, हम तो छोटे थे तो यहाँ पे हम यानी कि पक्के पक्के जब नहीं रहते थे, हम यहाँ पे फुप्पो वगैरह से जब मिलने आते थे गाँव में अगर कराची से, तो तभी इतना घना था इतना कि दिन के टाइम भी यहाँ पे अंधेरा होता था। और अभी कम से कम 6-7 साल ही गुजरे हैं और ये खाली हो गया बस तकरीबन, और नीचे सारे अभी भी काट रहे हैं सब। ये देखें यहाँ पे कहीं काट रहे हैं। ये वाला जो है अभी ताज़ा काटा हुआ है, इसके ऊपर कुछ घास वगैरह डाल दिए, पता नहीं क्यों डालते हैं। वो देखें वो अभी काट के फेंका हुआ है। ये देखें ये अंकल खड़े हुए ना, इनके पास एक दरख्त पड़ा हुआ है, वो उन्होंने अभी काट के फेंका हुआ है। यहाँ पे जो है हम छली खाने के लिए रुके हैं। गाँव की ज़बान में ना ऐसे चिलोतर कहते हैं, तो इसके जो है ना झाड़ू बनाते हैं ना छोटे छोटे, वो जो किचन में तंदूर होता है जब लकड़ियाँ जलाते हैं सर्दी में, तो जिसकी छाई साफ़ करने के लिए ना इसका इस्तेमाल करते हैं। जो तिंगो वाला झाड़ू होता है ना उसी तरह होता है, लेकिन बहुत छोटा होता है और इसका होता है इनका। दो बनसन ना त्रे बनसन ये थैली दे ना, तुम्हारा भी सारियों ये दे थैली से, थैली से ना भाग दे ना ऐसी छेल दे। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बाकी कमेंट और शेयर करना।